गुड़िया ये क्या था? भंगड़ा था जी, माहौल को हल्का बनाने का सबसे अचूक नुस्खा। प्रवीण जी, इस बार प्रवीण भाई ने मुझे बहकाया नहीं है जी, इस बार तो मैंने खुद अपने दिल से सोचा है जी। हाँ, वो क्या है ना कि खुशी के मौके पे तो सब नाचते हैं, सबको पता है जी, लेकिन हमारे यहाँ टेंशन में और भी ज्यादा नाचते हैं, इससे खराब से खराब मन भी अच्छा हो जाता है, इसलिए। अच्छा, तेरा मतलब है नाचने से खराब मन वालों का मन भी अच्छा हो जाता है? बिल्कुल जी। तो इसे नचा इसे। अभी लो जी। एक सेकंड, ये पंजाबी म्यूजिक ही चलेगा या फिर कोई फड़कती हुई गुजराती चीज लगाऊं? गुजराती गाने की कैसेट ले आ। ओ जी, यू गई, यू आई। रुक रुक कुड़िया रुक। अनीश जी, इसको समझा वरना आज मुझसे कुछ हो जाएगा। क्या हुआ बा? आज इस घर में सभी को कुछ हुआ है और सबसे ज्यादा इनको। देखिए अनीश कुमार, इस गुड़िया को अब बापूजी ने ऐसे ही बा को चिढ़ाने के लिए इसे कहा कि बा को डांस कराओ, तो ये सचमुच में कैसेट लेने जा रही थी क्रेक। अब आप ही बताइए, क्या बा से इस उम्र में डांस करवाना चाहिए और वो भी माहौल को हल्का करने के लिए? नहीं, वो तो दादी माँ, आप खाना खा लीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। हाँ नहीं डिंपल, खाने के वक्त थूकते नहीं है जी। बाप चलिए खाना खाते। हाँ हाँ, आ जा। खाना खा लीजिए बा, खाने के समय कभी थाली पर से उठना नहीं चाहिए बा। मीनाक्षी तू रोना बंद कर बेटा। और ये करछी कैसे रख दी तूने? कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने, बस भेज दिया। बा, इतनी सी बात के लिए आप परचाई जी के माँ बाप तक पहुंच गई? हाँ तो क्या हुआ? हक है ना उनका, मेरी सास है वो। मुझे मेरी भी तो है, तो क्या ये कल को मेरे माँ बाप तक पहुंच जाएंगी? नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या तू भी तो बहू है? हाँ नहीं है, इसलिए बची है, थोड़े दिन जाने दे, फिर देखना। दादाजी आप क्यों आग में घी डाल रहे हैं? गुड़िया काकी, आप इनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? दादाजी तो ऐसे बोलते रहते हैं सबको चिढ़ाने के लिए। हाँ? फिर ठीक है जी। मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलिए अनीश कुमार। बाप मैं कह रहा था कि आप हमारी शादी की एल्बम को लेकर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ की एल्बम एकदम ठीक है। नहीं नहीं अनीश कुमार, उसमें वो फोटो नहीं है जिसमें हमारी डिंपल अपने मेहंदी वाले हाथ दिखा रही है ऐसे, और फिर शादी के हर एक रस्म की फोटो भी नहीं है उसमें। हाँ माना मीनाक्षी काकी नहीं है, मगर इसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। हम फिर से शादी कर सकते हैं, और अगर हम फिर से शादी कर लेंगे तो उससे भी अच्छी फोटोग्राफ्स खींच जाएंगे। देखिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम फिर से इस घर को डेकोरेट करेंगे, फिर से सब के सब नए नए कपड़े पहनेंगे शादी के, फिर से रस्में होंगी, फिर से पार्टी होगी और फिर से गाना बजाना। कैसी आइडिया है दादी माँ? अब तो आप गट्टू काका को माफ कर दीजिए ना, मैंने और अनीश ने उन्हें माफ कर दिया है। प्लीज दादी माँ उन्हें देवपुर जाने की परमिशन दे दीजिए, प्लीज। दादी माँ आप बात सुनिए ना, बात दिल पर ठीक ही तो कह रही है। एक बात में तो गट्टू भाग्यवान है, उसकी बड़ी से बड़ी गलती तुम सब हमेशा माफ कर देते हो, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि उसे सही क्या है गलत क्या है उसका पता ही ना हो? अपनी चीजों को तो बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखता है, 4 साल हुए उसके लूडो की एक गोटी इधर से उधर नहीं हुई,
किसी को हाथ लगाने नहीं देता अपनी चीजों को, लेकिन दूसरों की चीजों की इतने से भी कदर नहीं है उसे। और गुस्सा, कभी कभी तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। अगर अभी हमने उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो आज उसने गुस्से में आकर कुएं में आलबन फेंक दिया, कल को गुस्से में आकर किसी बच्चे को फेंक दिया तो। गुस्सा ही तो पाया है उसने विरासत में, बुद्धि कहां पाई है हमारे गट्टू ने। लेकिन किसी ने कभी ये सोचा कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है? और तुम गोदावरी, उसकी लाचारी को समझने की कोशिश करने के बजाय उसे सजा दे रही हो। उससे छोटे हेमल की शादी हो गई, लेकिन गट्टू, उसमें बुद्धि चाहे दूसरों से कम हो लेकिन दिल तो उसमें उतना ही है ना। उसके भी कुछ अरमान है गोदावरी जो पूरे नहीं होते, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। ये सब बातें भी तुम्हें समझानी पड़ेगी। उसके अरमान तो रानी मुखर्जी के साथ संसार बसाने के हैं, तो क्या वो असंभव अरमान पूरे ना होने की सजा पूरी दुनिया को भुगतनी चाहिए? अनिश, मैं उसे जिम्मेदारी सिखाने की कोशिश करते करते बूढ़ी हो गई, मगर जिम्मेदार बना नहीं पाई। अब कम से कम उसे समाज के लिए खतरा बनने से तो रोकना ही होगा ना मुझे, वरना कल तुम ही लोग उससे नफरत करने लगोगे। नहीं दादी माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, जब हम लोग दुनिया में नहीं रहेंगे। तब भी अगर गट्टू इसी तरह गुस्सा उतारता रहा तो शायद घर से ही निकाल दिया जाए। ऐसा मत बोलिए बा, 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 हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप गट्टू काका को माफ कर दीजिए, प्लीज बा। देखिए, उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। पछतावा हो रहा है उसी के लिए अच्छा है। ठीक है, जाने दो उसे देवपुर। वैसे मैं तो जाने वाली नहीं हूं, अगर वो यहां रहेगा तो उसे देख देख कर मुझे और गुस्सा आएगा। पर उसे कह देना अपनी सूरत मुझे न दिखाए, क्योंकि मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। अच्छा याद कीजिए, मैंने सब कुछ रख लिया है ना, कुछ भूली तो नहीं ना मैं? पानी का कुंजा भर लिया? चलो जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, ये बैग ले लूँ मैं? हाँ ले लो, पानी का कुंजा भर लिया। लीला सुनिए, मैं एक एक्स्ट्रा टॉवल ले लूँ? रख लो। टॉवल क्यों, वहाँ दुकान खोलनी है देवपुर में जाके, सबके लिए एक एक टॉवल तो लिया है ना। मेरे लिए, जब मैं शैम्पू करूंगी ना उसके लिए। मतलब तुमने शैम्पू की बॉटल भी ली है? नहीं, सैशे लिया है छोटा वाला, देखो। ले लीजिए टॉवल, लेकिन जल्दी कीजिए। पानी का कुंजा भर लिया है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कब से। मोटा भाई, पिछले साल ही तो आपने पीतल का नया कुंजा खरीदा था। हाँ, तो वही पिछले साल जो पीतल का कुंजा खरीदा था उसे बाहर निकाल के धो के उसमें पानी डाल के सबके लिए लिया है ना लीला। वो कुंजा, वो कुंजा। इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है लीला, मैं जाते हुए रास्ते में सबके लिए मिनरल वाटर की बोतल खरीदने वाला नहीं हूँ। फालतू का खर्चा, एक तो 12 रुपए की बोतल आती है और अगर पानी ठंडा हो तो 1 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, और फिर पानी पी के सारे लोग वो बोतल यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं। मोटा भाई, पीतल का गुंजा ले जाएंगे तो भारी पड़ेगा ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बा ने दिया हुआ वाटर कूलर लिया है हमने। बा ने दिया है तो ठीक है। मोटा भाई, ये वाटर कूलर, इसमें घर का ही पानी है जी। दही और थेपले रखने के लिए कहा था वो भी ले लिए हैं, और दही गर्मी में खट्टा ना हो इसलिए बर्फ भी ले ली है, और वो बर्फ भी घर की ही ली है, बाहर की नहीं जी। हो क्या गया तुझे, ऐसे क्यों बातें कर रही है? हाँ, इस घर के तौर तरीके सीख रही हूँ जी, सब कुछ सीख लूंगी, सब कुछ सुन भी लूंगी, पर एक बात कह देती हूँ, मेरे माँ बाप के बारे में कोई कुछ बोलेगा ना तो वो मैं सुन के नहीं लूंगी जी।
दादी माँ। जीते रहो, अच्छे से जाओ और सुखरूप वापस आओ। बस सूखा सूखा आशीर्वाद। अरे दे रही हूँ बाबा, थोड़ा तो सबर करो। जीते रहो बेटा, जीते रहो, ये तेरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दादी माँ। जय श्री कृष्ण। अब दादी माँ, मानव के पैसे भी मुझे ही दे दीजिए। नहीं दादी माँ, मत देना, मैं आ रहा हूँ। मम्मी बस करो ना। बस मीनाक्षी, छोड़ उसे। हाँ। जो आ गया बा, जा आशीर्वाद ले बाका। जा। जय श्री कृष्ण दादी माँ। श्री कृष्ण जी तारे, ये ले। चल। अरे लकी, तू वहां क्यों खड़ी है? मैंने तुझे कहा है ना, तू भी इस घर की बच्ची है। हाँ, पर मुझे चैताली ने कहा था कि अब दादी माँ, मैंने कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। इसने अपनी बात खत्म नहीं की और तू पहले से अपना बचाव कर रही है। मतलब कुछ तो कहा है तूने इससे। लकी, क्या कहा इसने तुझे? ये आंखें मत दिखा। लकी तू बोल। दादी माँ मैं बताता हूँ, चैताली ने लकी से कहा कि आपके और गुड़िया काकी की थोड़ी अनबन है ना, तो आप इसे आशीर्वाद नहीं देंगी, और फिर भी ये आपसे आशीर्वाद मांगने आई तो आप इसे डांटेंगी। गुड़िया ये समझाना पड़ेगा, इसमें तुम्हारे माँ बाप की बात बीच में कहाँ से आई? नहीं, वो बा कभी भी कह देती है ना कि कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने, बस भेज दिया। अरे वो तो बा गुस्से में कहती है गुड़िया। तो गुस्से में बा कुछ भी कह सकती हैं। क्या मतलब है तेरा? घट्टू भाई ने बा से गुस्से में बात की तो बा ने उन्हें थप्पड़ लगा दिया। मतलब इस घर में गुस्से में सिर्फ बा ही बोल सकती हैं, और किसी को गुस्सा आए तो उससे चुप रहना होता है। गुड़िया मतलब तू बा को चैलेंज कर रही है गुड़िया? ओहो हो, वो ऐसा कब कह रही है? आप भी क्या, तू भी गुड़िया? नहीं मैं चैलेंज नहीं कर रही थी जी, जो हुआ उसके बारे में पूछ रही थी। क्या इस घर में सबको एक जैसे हक नहीं है? सबको अलग अलग हक हैं, सिर्फ बा को हक है कि वो गुस्से में आकर। गुड़िया बस, मुझे गुस्सा क्यों हो रहे हो? सिर्फ पूछ ही तो रही हूँ। सिर्फ पूछ ही तो रही है, जानना ही तो चाहती है सिर्फ। एक मिनट लीला, तुम चुप रहो, हर बात में गुड़िया की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। और मैं देख रहा हूं इस घर में बा के खिलाफ गैंग खड़ी हो रही है। लेकिन सुन लो मेरी बात, बा अकेली नहीं है, मैं बा को हारने नहीं दूंगा, मेरी जान की बाजी लगा दूंगा बा के लिए। मैं बा को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं आप? कोई बा को हराने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही उनके खिलाफ कोई गैंग बन रही है। कुछ भी मत बोलिए आप। और क्या गुड़िया, तू भी यही समय मिला था तुझे बा की खाल निकालने का, तू भी ना। गुड़िया कहते हुए बुरा लग रहा है पर बात तो सच है, तुम्हारे आने के बाद घर में टेंशन थोड़ा बढ़ गया। इस मुद्दे को अब यहीं पर छोड़ें, देर हो रही है, चलिए। प्रवीण भाई इंतजार कर रहे होंगे हमारा, ये सारी बातें हम लोग गाड़ी में भी बैठ के कर सकते हैं। ओहो, पता नहीं बच्चों ने कपड़े बदले भी या नहीं। मेहुल सुनिए जरा, ये सूटकेस देख लेना। मेहुल, मिताली, चैताली, सलोनी। मुझे ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा जी, अगर आप मुझसे कहेंगे ना तो मैं बाकी सारे सवाल पूछना बंद कर दूंगी जी। पर इस घर के तौर तरीके क्या हैं वो तो पूछूंगी ही। लकी इधर आ तो बेटा। लकी मेरी आंखों में देख, तुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? मैं लकी गुड़िया के साथ मेरी जो भी अनबन है, तेरे साथ अनबन है तो
तो मैं तुझ पर गुस्सा क्यों करूंगी? और गुड़िया के साथ भी मेरी अनबन थोड़ी ही है। तो पुरानी स्कूल छोड़कर नई स्कूल में जाएगी तो वहाँ के बच्चों से घुलने मिलने में, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। गुड़िया को भी टाइम लगेगा यहाँ एडजस्ट होने में, पर मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस घर में सबको समान हक है या अलग अलग, ये गुड़िया को अपने आप पता चल जाएगा। पर मैं तुझे इतना बता दूं, इस घर में प्यार सबको बराबर मिलता है। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, फिर भी बाने मुझे। मीनाक्षी वो समझ गई, ये तेरे 51 रुपए। दादी माँ, वो पैसे किसके लिए हैं? किसी के लिए नहीं। चलो जाओ, निकलो, मजे करना। धीरे धीरे बच्चों, धीरे। आ जा मेरी बच्ची, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, मुझे वो 51 रुपया वाला नहीं, 2000 रुपए वाला आशीर्वाद चाहिए। हाँ रखे हैं तेरे 2000 रुपए। देती हूँ, सबको मिलेंगे भाई, सबको मिलेंगे ये तेरे 2000। थैंक यू बा। बेबी बी, वहाँ कुलदेवी माता के चरणों में मेरी तरफ से भी माथा टेकना। हाँ हाँ, सबकी तरफ से माथा टेकूंगी। कटु भाई की तरफ से भी प्रार्थना करना कि उनका गुस्सा शांत हो जाए। तो मेरा गुस्सा अभी शांति हो गया है, और सिर्फ वे के बारे किया था ना गुस्सा, वो भी गया अभी। तो बाकी बोलो मुझको आशीर्वाद देने को। नहीं बेबी, नहीं सुनना है मुझे कुछ, सामने जवाब दिया था इसने मुझे। हाँ तो एक ही बार दिया है ना, तो इतना तो चलता है ना। नहीं चलता है। लेकिन अब अगर तुमने ज्यादा बहस की ना तो मुझे और गुस्सा आएगा। बेबी इसे कह दे यहाँ से चला जाए, मुझे नहीं देखनी इसकी शक्ल, नहीं देखनी इसकी शक्ल, नहीं देखनी इसकी शक्ल। ठीक है बेबी, अभी ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। नहीं देना आशीर्वाद तो मत देने दो। चल बेबी मैं जा रहा हूँ। गुस्सा तो नाक पे होता है, अब तक सॉरी भी बोला नहीं मुझे। नादान है बाबू, आप माफ कर दीजिए। नहीं मीनाक्षी, पहले गट्टू को कुछ मिले ना मिले, वो कहता था चलेगा, वो चलेगा, उसका बड़प्पन था। अब वो कहता है चलता है, मतलब वो अपने आप को बड़ा समझने लगा है कि कुछ भी करे तो चलेगा। और गुड़िया के आने के बाद ये चलता है शब्द कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करने लगा है। और मैं इस घर में चलता है शब्द को नियम बनने नहीं दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।